तो गाइज पहले तो मैं आज आपको पूरा शुरुआत से बेसिक से बताने वाला हूँ, जिससे आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले आपको YouTube को ओपन कर लेना है, एंड YouTube इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको प्रोफाइल वाले आइकन पे आपको किनारे दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको स्विच अकाउंट पर क्लिक कर देना है। स्विच अकाउंट पर क्लिक करने के बाद अगर मान लीजिए ये बहुत ही पुराने हैं, मतलब बहुत ही पुरानी जीमेल आईडियां हैं, तो हमको एक नई फ्रेश जीमेल आईडी बना के उस पर चैनल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? इसके लिए आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। एंड प्लस वाले आइकन पे आपको क्लिक करने के बाद इस तरीके का आपको इन्फो आएगा, एंड आपको इस तरीके से आपको ना पिन डाल के कन्फर्म कर लेना है। कन्फर्म होने के बाद ये एक पॉपअप आने वाला है। देखिए यहाँ पे आपको एक ईमेल बनाने का पॉपअप आ चुका है। चलिए हम ईमेल को बना लेते हैं। तो ईमेल को बनाने के लिए यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, फॉर माय पर्सनल यूज या फॉर माय वर्क और बिजनेस। तो यहाँ पे हम चलिए चलते हैं फॉर माय पर्सनल यूज के लिए यहाँ पे लगा देते हैं। तो और अब आपको यहाँ पे अपना नाम डाल देना, जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ। अपना नाम आपको यहाँ पे इस तरीके से डाल देना है। डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देनी है, जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। अपनी डेट डाल देनी है, यहाँ पे आपको मंथ डाल देना है, ईयर आपको डाल देना है। डालने के बाद जेंडर में आपका आएगा, तो जेंडर में आप ईमेल मेल आपको मेल सेलेक्ट कर लेना है। मेल सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद तो गाइज आपको यहाँ से यहाँ पे जी मेल अकाउंट बना लेना है। जी मेल अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आयुष। इस तरीके का जी मेल अकाउंट बनाना है। यहाँ से गाइज मैंने बना लिया। बनाने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, पासवर्ड को आप यहाँ पे लिख लेते हैं। मान लीजिए हमने ये पासवर्ड बना दिया, एंड यस लिख दिया, कुछ भी एडी लिख दिया। नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद हमारा जो अकाउंट है यहाँ पे बनके तैयार हो गया। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद पासवर्ड सेव्ड हो जाएगा, एंड नीचे आपको चले जाना है, एंड इसको स्क्रॉल करना है, आई एग्री पे, आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आई एग्री वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं हम। इस तरीके से आपको लोडिंग लेगा। लोड होने के बाद इस तरीके से आपका चक्र चलने लगेगा। चक्र चलने के बाद अकाउंट्स आपके ओपन हो जाएंगे, एंड आपका अकाउंट यहाँ पे दिखने लगेगा। ये आपका अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। एंड लॉगिन करने के बाद आपको कटला कैश स्विच अकाउंट यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये देखिए गाइस, यही मेरा है ios.official.09, यही वाला अकाउंट गाइस यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे मेरे नाम के नीचे आयुष गुप्ता चैनल के नेम नीचे आपको क्रिएट चैनल का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपने चैनल का यहाँ पे लोगो लगा लेना। चैनल का हम यहाँ से हम करते गए हैं, लोगो लगा लेते हैं। यहाँ पे मैंने लोगो यहाँ पे लगा लिया। लगाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको चैनल का नाम लिख लेना है। तो आपको यहाँ पे पेंसिल वाला आइकन दिख रहा होगा, जो कि आपको पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है। आप अच्छे वाले का नेम डाल के आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आपको हैंडल लगा लेना है। बदलना चाहते हैं हम लोग बदल सकते हैं, नहीं तो जो है आप उसको उसे उसी को रहने देना। जैसे ही हमारी प्रोफाइल पिक्चर लग जाती है, हम क्रिएट चैनल पर क्लिक कर देंगे। आपको यहाँ पे क्रिएट चैनल पे क्लिक कर दें। गाइस क्रिएट चैनल पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से लोडिंग होगी, एंड आपका चैनल जो है यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। मैंने यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरे चैनल का जो है बन के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आपको वीडियोस अपलोड करनी है तो आप कैसे अपलोड कर सकते हैं, इसके लिए आपको प्लस का आइकन दिख रहा होगा, जिस पर आपको क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, एक शॉर्ट्स का मिलेगा, एक लाइव का मिलेगा, एक वीडियो का मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो बनाना है तो वीडियो उस पर करेंगे एंड आपको कोई भी यहाँ पे इस तरीके से वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आपकी 100% वीडियो अपलोड हो जाएगी तो वैसे ही आपका जो पूरा यूट्यूब पे आपकी वीडियो शो करने लगेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपने यहाँ पे कितना सीखा, कैसा सीखा, मेरी जो वीडियो है कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट जरूर करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड वाले इस वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे अपने चैनल का मतलब अपने वीडियोस का टाइटल को लगा देना। टाइटल यहाँ पे लगा देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया आयुष शुक्ला, इस तरीके मैं टाइटल लगा दिया। एंड डिस्क्रिप्शन आपको लगा लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको इस तरीके से लगा देता हूँ। और वीडियो का जो टॉपिक है वही लिखेगा, नहीं तो मेरी तरह नाम लिखने लगे। आपको मैं समझाने के लिए इस तरीके से बता रहा हूँ। इसके बाद विजिबिलिटी यहाँ पे प्राइवेट लगी है, आपको कर लेना है पब्लिक या अनलिस्टेड, बाद में आप जाके सही कर सकते हैं। इस पर आपको क्लिक करने के बाद लोकेशन पे आपको यहाँ पे लोकेशन भी लगा सकते हैं। लोकेशन पे यहाँ पे जैसे मतलब यूपी लगा देता हूँ, यूपी मैंने लगा दिया। एंड प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा तो प्लेलिस्ट पे मैं क्लिक करूँगा। एंड प्लेलिस्ट आप यहाँ से बनाए हैं तो ठीक है, नहीं बनाए तो यहाँ पे दिख ही रहा है कि अभी नया चैनल है। इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेगा शॉर्ट्स रिमिक्सिंग का, जिसको आपको अलाउ करना चाहते हैं तो अलाउ कर सकते हैं, नहीं तो आप डोंट अलाउ रिमिक्सिंग पे क्लिक कर सकते हैं। एंड ये सब करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, न्यू इट मेड फॉर किड्स पे क्लिक करते हैं एंड अपलोड वीडियो पे क्लिक कर देते हैं एंड आपकी वीडियो जो यहाँ पे अपलोड होने लगेगी, वीडियो अपलोड होने लगेगी। और जैसे ही यहाँ पे 100% वीडियो अपलोड हो जाएगी, जैसे ही आपकी 100% वीडियो अपलोड हो जाएगी तो वैसे ही आपका जो पूरा यूट्यूब पे आपकी वीडियो शो करने लगेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपने यहाँ पे कितना सीखा, कैसा सीखा, मेरी जो वीडियो है कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट जरूर करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।